हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। अब हम करेंगे यूनिट थर्ड का है ये, नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर सेकंड पार्ट। ठीक है, ये इजी भी है और आप अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर आई कार्ड पर भी दिख जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सी, इन्होंने बोला है कि जो कॉन्फ्लिक्ट, अभी हम करेंगे नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर्स की, आप जो नेगोशिएशन है वो कैसे कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं टू ऑपरेट एनी बिजनेस। ठीक है, बिजनेस प्रोसेसर्स मे हैव कॉन्फ्लिक्ट विद मैनी ग्रुप्स लाइक पार्टनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज एंड विद जनरल पब्लिक। नेगोशिएशन इज ऑफन एसेंशियल टू डेवलप हारमोनियस सोल्यूशन फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट। मैं इसको आपका इसको इसका ओवरव्यू देती हूँ आपको कि क्या बोला है। देखो, कहीं पे भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जहाँ पे आपकी राय नहीं मिल रही है, टकराव होना। ठीक है, तो आप किसी एक ऐसी सिचुएशन पे पहुँचते हो और ये बिजनेस में होता ही रहता है। ठीक है, तो नेगोशिएशन मतलब अब उसके उसको डील करना, और कॉन्फ्लिक्ट को किसको डील करना, कॉन्फ्लिक्ट को डील करना। ठीक है, तो वो होता ही रहता है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेसर अपनी ग्रुप्स की मतलब पार्टनर के साथ भी हो सकता है, मैनेजर के साथ भी हो सकता है, एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है, जनरल पब्लिक के साथ भी हो सकता है। तो नेगोशिएशन को हम लेके आते हैं इसको दूर करने के लिए। ठीक है, नेगोशिएशन एक हार्मोनियस सोल्यूशन है जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, ये एक ओपन प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टी इंक्लूड होती हैं टू फाइंड अ सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ ये दिख रहा है जो आपको, नेगोशिएशन कैन टेक एक्सटेंसिव फॉर्म्स फ्रॉम स्किल्ड नेगोशिएटर एक्टिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और अ पोजिशन इन फॉर्मल सेटिंग टू एन इनफॉर्मल नेगोशिएशन बिटवीन फ्रेंड। ठीक है, नेगोशिएशन एक मतलब एक एक्सटेंसिव फॉर्म की तरफ जा सकती है जिसमें स्किल जो नेगोशिएटर होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम करता है। ठीक है, और या तो वो मतलब फॉर्मल भी करता है और इनफॉर्मल भी कर सकता है। तो मतलब हम नेगोशिएशन को ना एक इंटरवेंशन की तरह मान सकते हैं कि मान लो कि जैसे एक इंटरवेंशन में क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी क्या करती है, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट को सुनती है और जो वो बताएगी, थर्ड पार्टी जो सॉल्यूशन देगी वही माना जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये इंटरवेंशन की तरह से, इसको हम आर्बिट्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें एक लीगल प्रोसेंट मतलब एक लीगल प्रोसीडिंग होती है कि दोनों साइड की एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके मेरिट देखते हैं कि क्या केस है और आर्बिट्रे डिसाइड करते हैं कि आउटकम क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नेगोशिएशन को एक पोजिशनल और हार्ड बार्गनिंग नेगोशिएशन भी बोला जाता है। दिस नेगोशिए मतलब इस जो हम आर्बिट्रेटरी वाला बोलते हैं, बेसिकली नेगोशिएशन में क्या होता है, पार्टिसिपेंट होते हैं जिनको पता होगी इशू एक्चुअली है क्या, अबाउट विच दे डिफर, मतलब कि उनको पता होना चाहिए कि वो किस जो नेगोशिएशन उनको करना किस चीज़ को लेकर है। ठीक है, एजुकेट ईच अदर अबाउट देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। उनको बताओ कि अगर आप दोनों में उस चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट इशू हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या चाह रहे हो करना और वो क्या आपसे बोल रहे हैं। तो मतलब एक पॉसिबल सेटलमेंट ऑप्शन करना और बार्गेनिंग करना ओवर टर्म्स ऑफ फाइनल एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। ठीक है, तो नेगोशिएशन में बेसिकली फोर एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट की सबसे पहले उसमें मतलब फोर एलिमेंट्स की उसमें होगा क्या नेगोशिएशन में, एक सम डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट कॉज, मतलब कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होगा तभी आपका नेगोशिएशन उसमें आया ना, विच में भी परसीव्ड फेल्ट और मैनिफेस्ट। ठीक है, देर इज सम डिग्री और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द पार्टी। ऑब्वियसली मतलब आप लोगों की आपस में कुछ है, इंटरडिपेंडेंस है, आपको उनसे कुछ चाहिए, उनको आपसे कुछ चाहिए, तभी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया ना कि नहीं यार मुझे ऐसे चाहिए था, आपने ऐसे नहीं किया, या फिर मुझे ऐसे चाहिए तो क्या आप ऐसे करके देख सकते हो, मतलब वो डिस्कस करने एक मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा या फिर ज्यादा ऐसा हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हम अगर करें तो कि पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं आपके आपस में। ठीक है, वो कुछ और देना चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, द सिचुएशन मस्ट बी कंडक्टिव टू अपॉर्चुनिस्टिक इंट्रैक्शन, ईच पार्टी मस्ट हैव बोथ द मीन्स एंड इंक्लिनेशन टू अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द अदर्स। मतलब कि आप दोनों के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सको, कि वो अगर चाहता है तो वो क्यों चाहती है एक पार्टी, अगर दूसरी पार्टी वैसे चाहती है तो वो क्यों चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है देयर एग्जिट सम और ऑब्वियसली कोई भी नेगोशिएशन होने के लिए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जिसपे नेगोशिएशन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेगोशिएशन एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन लेके नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास इंपॉर्टेंट है एक प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएशन। बेसिकली अगर देखें हम तो फाइव स्टेप होते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस में, हम एक बार स्टेप देख लेते हैं क्या है, कि फर्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, सेकंड है ग्राउंड रूल्स, थर्ड है क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड नेक्स्ट है क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये डायग्राम आप बना के आ सकते हो वहाँ पे, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम भी बनाया एग्जामिनर वहीं से समझ जाएगा कि इसको कुछ पता है। ठीक है, मतलब तो उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। तो फर्स्ट जो
इसने बोला है प्रिपेयर। देखो कोई भी नेगोशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, कि किस बारे के, मतलब आपको ये तो पता होना कि नेगोशिएशन कर किस चीज़ के लिए रहे हो, द हिस्ट्री लीडिंग टू डैट नेगोशिएशन, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको नेगोशिएशन करना पड़ा, ठीक है, द पीपल इन्वॉल्व एंड देयर परसेप्शन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या उनकी परसेप्शन है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन है नेगोशिएशन को लेकर, ठीक है। अब देखो कि क्या है प्लानिंग, मतलब किसी भी नेगोशिएशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है नेगोशिएशन की, ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या थी कि क्यों हुआ, क्योंकि नेगोशिएशन तब भी होगा ना, उसके अंदर कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व हैं और उनकी परसेप्शन क्या है उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं वो नेगोशिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर ग्राउंड रूल्स, वन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड, वन हैज़ टू बिगिन डिफाइनिंग द ग्राउंड रूल्स एंड प्रोसीजर विद अदर पार्टी ओवर नेगोशिएट इटसेल्फ दैट विल डू द नेगोशिएशन, ठीक है, मतलब एक बार प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डेवलप हो गई तो अब एक क्या स्टेट करेगा, ग्राउंड रूल्स बनाना स्टेट करेगा और प्रोसीजर, मतलब अदर पार्टी के साथ मिलके कि हमें कैसे नेगोशिएट करना है, ठीक है, कहाँ पे होगा, क्या टाइम कॉन्स्टेंट होंगे, इफ एनी विल अप्लाई टू व्हाट इशू विल नेगोशिएशन बी लिमिटेड, मतलब किस किस इशू पे नेगोशिएशन रहेगा, किस पे नहीं रहेगा, विल देयर स्पेसिफिक प्रोसीजर टू फॉलो, क्या क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसीजर रहेगा इसको फॉलो करने के लिए कि हम इस नेगोशिएशन के रिजल्ट तक पहुंच पाएं, ड्यूरिंग दिस फेज द पार्टीज विल गो एक्सचेंज देयर इनिशियल प्रपोजल और डिमांड, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज की तरफ से वो अपने इनिशियल प्रपोजल और डिमांड्स डिस्कस करते हैं कि मैं इस टाइम पे आपका कर सकता हूँ, मतलब कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कौन से इश्यूज पे हम काम करेंगे, तो ये दोनों पार्टीज की तरफ से आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, जब इनिशियल पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है तो बहुत दोनों ही पार्टी अपने आप को एक्सप्लेन करेंगी, एम्पलीफाई करेंगी, ब्लूस्टर जस्टिफाई करेंगे उनकी ओरिजिनल डिमांड को कि एक्चुअली वो चाहते क्या है, दिस नीड नॉट टू बी कन्फ्रंटेशन, मतलब आप आमने सामने होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, रेट्स इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग, मतलब ये इसको वो किस तरह मानते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि मैं दूसरों को बताऊँ कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, ठीक है, कि दूसरों को बताऊँ कि एजुकेट या इन्फॉर्म करना एक दूसरे को इशूज़ की ऐसा आ रहा है, मुझे ये इशू आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है, एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ ईच अराइव्ड एट देयर इनिशियल डिमांड्स, मतलब उनकी ऐसे डिमांड क्यों आई वहाँ तक, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर वन पार्टी माइट वॉन्ट टू प्रोवाइड द अदर पार्टी विद एनी डॉक्यूमेंटेशन डेट हेल्प इट सपोर्ट, मतलब इसमें क्या करेंगे वो आप एक दूसरे को क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, या तो अपने इशू या फिर अगर उन्होंने वो सिचुएशन की है तो वो उन्होंने क्यों की है, मतलब कि यहाँ पे एक पार्टी दूसरे को क्या एक कोई डॉक्यूमेंट दे सकेगी कि जहाँ पे वो अपनी पोजिशन को सपोर्ट करने के लिए एक्सप्लेन करेगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर लगता है कि अब कोई नेगोशिएशन का है तो वहां पे वो क्या करेंगे, एक्चुअली गिव एंड टेक करेंगे कि ठीक है मैं ये कर लेता हूँ आप ये कर लो, ठीक है, मतलब एक हैश आउट एग्रीमेंट करना, ट्राइंग टू हैश आउट एग्रीमेंट, इट इज हेयर वेयर कंसेशंस विल अनडाउटली नीड टू बी मेड बाय बोथ, मतलब दोनों ही पार्टीज कुछ ना कुछ करेंगी, ठीक है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा कि यार आप ऐसा कर लो फिर ठीक है और हम ऐसा कर लेते हैं, या तो फिर आप इतने कर लो, इतना रेट लगा लो, ऐसे कर लो, तो ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो फाइनल स्टेप क्या होगा क्लोजर में नेगोशिएशन प्रोसेस में, कि फॉर्मलाइज करना एग्रीमेंट को डेट हैज़ बीन वर्कड आउट एंड डेवलपिंग प्रोसीजर डेट आर नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग, अब आपकी क्योंकि सारा नेगोशिएशन हो चुका है तो अब इसको फॉर्मलाइज कर लेंगे, मतलब कि फॉर्मलाइजेशन होगा कि डॉक्यूमेंट बनेगा कि हम इस स्टेज पे नेगोशिएट कर रहे हैं और ये रिजल्ट निकला है, और उसके बाद वही प्रोसीजर फॉलो करेगा जो नेसेसिटी है, मतलब फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे और मॉनिटर करते रहेंगे, और अगर कोई मेजर नेगोशिएशन है तो दिस विल रिक्वायर हैमिंग आउट स्पेसिफिक इन अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, फिर बिल्कुल ही फॉर्मल की तरह चलेंगे वो लोग, ठीक है, अगर नॉर्मल है तो हम मतलब डिस्कस करके वहीं पर कर भी सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजिंग नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर, जो आपकी में टॉपिक है मैनेजिंग कल्चर अक्रॉस इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसमें यही आएगा कि मैनेजिंग नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर, ठीक है, जो ग्लोबली है द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ पेरेंट एंड सब्सिडायरीज विज और विज ऑन अनदर इंक्रीज और डिमिनिश ओवर टाइम एंड स्पेस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस अंडर विच दे ऑपरेट, ठीक है, इट इज़ टू नो डेट कंपनीज विच ऑपरेट इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कैन परफॉर्म वेल एंड मैनेज टू नेगोशिएट ओनली इफ दे हैव रिक्वायर्ड कोर कॉम्पिटेंसीज सच एज ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मैनेज स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क विद फॉरन पार्टनर्स एंड फॉरन कंट्रीज एंड सो वर्ड। देखो ग्लोबली क्या होता है कि जो
इन्फ्लुएंस रहता है पेरेंट या फिर उनकी कोई सब्सिडरीज है कंपनी की, तो वो क्या होती हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं टाइम ओवर टाइम एंड स्पेस, और कदम भी हो सकते हैं, वो सरकमस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे कोई नहीं है कि कोई भी कंपनी नहीं है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहेगी या फिर नेगोशिएट नहीं करना चाहेगी, मतलब वो करेगी भी अगर उसको है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ पर भी कर सकते हैं, अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर भी, मैनेज स्किल पर भी, उसकी फॉरन पार्टनर्स के साथ डील। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑप्शन है जैसे इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, हमारे पास हैं। तो डिसीजन टू अडॉप्ट एनी ऑल ऑफ और डिपेंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली ऑन कंपनीज इंटरनल स्ट्रेंथ, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम ये देख के नहीं कर सकते कि कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, कल्चर बहुत अच्छा है, पर हमें वहाँ की कंट्री की पॉलिसीज और प्रेफरेंस भी समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो कल्चर रिलेटेड इशू है वो फॉरेन कंट्री में रिलेवेंट होते हैं अगर कंपनी रिक्रूट करती है मैनेजर और पीपल उस कंट्री में, ठीक है। अब आप मान लो सपोज कि आप कहीं इंडिया से बाहर कोई कंपनी खोलते हो, तो आपको वहाँ का कल्चर पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, अगर इम्प्लॉय करने रिक्रूट करने से पहले समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या और वहाँ के लोग उस चीज़ में फिट हो पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली दो मॉडल्स हैं जो हम आगे करेंगे, कल्चर डिफरेंस अक्रॉस नेशंस में, ठीक है। ये थोड़ा ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया था, जो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये मॉडल करेंगे, होफ्स्टेड कल्चर डायमेंशन और ट्रॉम्पेनार्स फ्रेमवर्क है, मैं इसमें आपको ट्रॉम्पेनार्स कराऊंगी, ठीक है। होफ्स्टेड आप होफ्स्टेड भी हम करेंगे, उसके बाद हम ट्रॉम्पेनार्स करेंगे, पर मैं पहले आपको ट्रॉम्पेनार्स कराऊंगी ताकि आपकी अगर आप आता भी है तो आप कोई ना कोई उसमें से मॉडल लिख के आओगे तो चल जाएगा, एक मॉडल भी लिख के आओगे तब भी चल जाएगा। कल्चर डिफरेंस अक्रॉस नेशंस डिपेंड करता है कि वैसे वो कितने मार्क्स का है, पर आप फिर भी ट्रॉम्पेनार्स फ्रेमवर्क और होफ्स्टेड में से कोई भी करोगे तो आई थिंक चल जाएगा आपके एग्जाम में। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रॉम्पेनार्स फ्रेमवर्क के बाद हम करेंगे कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नेगोशिएशन को, फिर उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और लास्ट में जो आपकी नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी है। तो इसमें आपका पार्ट टू कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपके क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।